हाय सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं चलो खैर से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। आज की जो हमारी लेक्चर वीडियो है वो हमारे प्यारे नवी की मदर के ऊपर है, प्रोफेस मदर बाय मौलाना तारिक जमील साहब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं प्रोफेस मदर के बारे में मौलाना तारिक जमील साहब ने क्या बोला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर वालदैन, तुम सब बच्चे बैठे हो, वालदैन को अपनी जन्नत बना लो, माँ बाप को अपनी जन्नत बना लो, उनकी दुआ ले लो। मेरे नबी ने फरमाया, काश मेरी माँ जिंदा होती। माँ, माँ का ख़ास तौर पर मेंशन किया, मेरी माँ जिंदा, क्योंकि बाप को तो देखा ही नहीं और माँ को देखा है 6 साल। मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज के मुसल्ले पे खड़ा होता और मेरे घर से मेरी माँ कहती मोहम्मद, तो मैं माँ के लिए नमाज तोड़ देता। मेरा नबी कह रहा है। और जब आप हज पे तशरीफ ले गए और अबवा के मैदान से गुजरे जहाँ मेरे नबी के वालदा का इंतकाल हुआ था, इस बात को 57 साल गुजर चुके हैं। 6 बरस की उम्र में मदीना से निकले 3 अफराद, मेरे नबी, मेरे नबी की माँ, मेरे नबी के वालिद की बांदी उम्मे ऐमन, वो भी माँ हैं, उन्होंने भी दूध पिलाया था मेरे नबी को। 2 माएँ हैं, एक दूध पिलाने वाली, एक पैदा करने वाली, और एक मेरे नबी हैं। जब अबवा के पहाड़ों में पहुँचे तो अचानक हार्ट अटैक से हज़रत आमना 25 साल की उम्र में इंतकाल फरमा गई और मेरे नबी ने इतना उसका गम लिया। 6 साल का बच्चा, मैं सन 2000 में वहाँ गया था, मेरे आंसू नहीं रुकने को आ रहे थे कि कहाँ मेरे नबी की माँ को अल्लाह ने उठाया। ना कोई आसरा, ना कोई सहारा, ना कोई रिश्ता, ना कोई झोली, ना कोई छाँव, ऐसे तने तनहा यतीम कर दी। जब उनको पत्थरों में दबा के नीचे उतरे, उम्मे ऐमन को से हाथ छुड़ाकर भागे और ऊपर पहाड़ी पे चढ़ गए। जब उम्मे ऐमन पीछे गई तो आपने, उम्मे ऐमन ने क्या देखा कि अबवा के पहाड़ भी रो रहे होंगे। अब माँ की कब्र को चिमट के ऐसे ऊपर लेटे हुए थे, कब्र को पकड़ा हुआ था, ऊपर लेटे हुए थे। जब उम्मे ऐमन करीब आई तो सुना आप कह रहे थे, अम्मा जी आपको तो पता था आपके सिवा मेरा कोई ना था, आप मुझे छोड़ के कहाँ चली गई, क्यों चली गई। 6 साल का बच्चा पहली मौत देख रहा है तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि मेरी माँ के साथ हुआ क्या है। उम्मे ऐमन ने उठाना चाहा, आपने उठने से इनकार कर दिया। इस सदमे को सीने में लिए हुए 57 साल के बाद, 57 दिन बंदा रो नहीं सकता, रोना ही चाहे तो रोना नहीं आता। 57 साल के बाद आप उस वादी से गुजरे, अपने ऊँटनी को माँ की कब्र की तरफ मोड़ दिया और इन पिलर्स को 3 गुना करो तो वो पहाड़ बनता है, छोटी पहाड़ी थी। ऊँटनी को नीचे बिठाया, ऊपर पहाड़ पर गए और ये मुझे देखो, यूँ आपने घुटने खड़े किए माँ की कब्र के सराहने और ये हाथ यहाँ रखे और फिर सर दिया अपने घुटनों में यूँ, फिर रोना शुरू किया। इतना रोए, अप्रैल का महीना था, धूप सर पे पड़ रही थी, हम तो ठंडी धूप में बैठे हैं, शदीद धूप में बैठे थे और इस कंडीशन में, ये बच्चों का स्टाइल होता है जब लंबा रोना हो तो वह यूं बैठते हैं सर अंदर देकर। इतना रोए कि आपकी दाढ़ी सारी आंसुओं से भर गई, सीना तर हो गया, एहराम तर हो गया और कई घंटे बैठ के रोते रहे। 2 जहान के सरदार होकर तमन्ना कर रहे हैं, काश अम्मा तू जिंदा होती, तू मुझे कहती मोहम्मद, मैं तेरे लिए नमाज तोड़ देता। और मेरे नबी ने, ये बच्चियां गौर से सुनो, मेरे नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह क्यामत कब आएगी, आपने फरमाया ये तो अल्लाह को पता है। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह कोई निशानी बता दे, तो आपने फरमाया जब बच्चियां माओं को जलील करेंगी तो क्या मत आ जाए। बेटियाँ, जब बेटियां माओं के साथ बदतमीजी करेंगी और माओं को जलील करेंगी तो क्या मत आ जाएगी। एक माँ बेटी को मैं भूल नहीं सकता, माँ के मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे और बेटी माँ से कह रही थी भौक नहीं, हमारी अपनी पंजाबी जुबान, भौक नहीं, ओ हो, ये तो हम नौकर को कहते हुए डरते हैं, वो माँ से कह रही थी भौक नहीं, यानी बकवास ना कर, रो आगे चुप,
सिर्फ आंसू उसके गिर रहे थे ऐसे। शायद वो याद कर रही थी कि 9 महीने कैसे उसको मैंने पेट में पाला, जनते हुए कितनी तकलीफ़ों से गुजरी, और उसको दूध पिलाते हुए कितनी रातें मैंने काट काट के गुजारी, और उसके पेशाब धोते हुए कितनी दफ़ा मैं सर्दी में ठिठरी, और आज जो मुझे कह रही है भौंक नहीं। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, जिसने माँ बाप को दुख दिया, सुनो गौर से बच्चों सारे सुनो, जिसने माँ बाप को दुख दिया उस पर अल्लाह की लानत, उस पर फरिश्तों की लानत, उस पर ज़मीन आसमान की लानत, न उनकी नमाज कबूल है, न रोज़ा कबूल है, न सदका कबूल है। मेरे नबी की ज़िंदगी का दूसरा रूप हुकूकुल इबाद, नमाज हुकूकुल्ला में आ जाती है। मैं हुकूकुल इबाद की थोड़ी सी वजाहत कर रहा हूँ। माँ बाप जिंदा हैं तो दुआ ले लो। वालदैन से कहता हूँ बच्चों को इज्जत दो। जहाँ औलाद माँ बाप के हुकूक हैं वहाँ औलाद के हुकूक हैं। औलाद को इज्जत दो, औलाद को इज्जत दो, औलाद को इज्जत दो। बहुत सी औलाद की नाफरमानी का ज़रिया माँ बाप बन रहे हैं, सख्ती करके, ज़बरदस्ती करके, और ठोंस कर चीज़ें नौकरों की तरह सलूक करके। मेरे नबी के घर में जब बेटी फातिमा मिलने के लिए आती थी तो मेरे नबी बैठे नहीं रहते थे। जो अब चेयर पे बैठे हुए बीबी फातिमा आ गई, अब ज़मीन पे बैठे हुए हैं बेटी आ गई, अब चारपाई पे लेटे हुए हैं बेटी आ गई। मेरे नबी क्या करते थे? खड़े हो जाते थे, खड़े हो जाते, एकदम खड़े हो जाते थे, और फिर खड़े नहीं रहते थे, तेज़ी से आगे बढ़ते थे, और हज़रत फातिमा का हाथ पकड़ लेते थे। ये वालदैन गौर से सुनो, हज़रत फातिमा का हाथ पकड़ लेते थे, और हाथ पकड़ के मुझे देखो यूँ बोसा लेते थे, बेटी का बोसा लेते थे, फिर हाथ छोड़ते नहीं थे, हाथ पकड़े पकड़े लाते 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 उनको चारपाई पर पहले बिठाते थे, फिर खुद बैठते थे। ये बाप और रसूल होकर बेटी को ये इज्जत देते थे। फिर वो जन्नत की औरतों की सरदार बनी, फिर वो जन्नत के सरदारों की माँ बनी, फिर वो अल्लाह के शेर की जौजा बनी। तो वालदैन से कहता हूँ कि अपने बच्चों को इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो। तो ये हैं हमारे प्यारे नबी, जिन्होंने हमेशा यही सिखाया कि हर औरत की इज्जत करो। वो खुद भी अपनी बेटी की, अपनी वाइफ की और अपनी मदर की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में, जब वो 6 साल के ही थे महज, उन्होंने अपनी मदर को खो दिया था, तो जिसका गम हमेशा से उनके दिल में था, क्योंकि एक छोटे से बच्चे के लिए अपनी माँ को इस यंग एज में खो देना बहुत ही मुश्किल होता है। तो नबी ने हमेशा अपनी मदर को भी इतना मतलब ऊंचा दर्जा दिया है कि वो ये कहते थे कि अगर मैं नमाज भी अदा कर रहा हूँ और मेरी माँ मुझे बुला लें तो मैं नमाज को तोड़ दूंगा अपनी माँ के लिए। मतलब इतनी इज्जत उन्होंने अपनी मदर को दी है। और बेटियों को तो हर कोई बहुत ही प्यार करता है आज की डेट में भी। इवन जब मैं भी अपने घर जाती हूँ तो पापा जब भी देखते हैं तो मुझे देखते ही उनके चेहरे पर बहुत खुशी होती है, और यही हमेशा बोलते हैं, आ गया मेरा बेटा। हम लोगों का भी यही फ़र्ज़ बनता है कि अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दें सबसे ज़्यादा। मतलब हमेशा बोलते हैं कि उस रब से भी ऊपर अगर किसी का दर्जा आता है तो वो आपके पेरेंट्स का आता है, क्योंकि आपके पेरेंट्स ही आपको इस दुनिया में लेकर आए हों। उनकी इंसल्ट करना, उनकी बेइज्जती करना तो कभी सोचना भी नहीं चाहिए। उन लोगों, उन बच्चों पे तो मतलब उन्हें क्या ही बोलें, उनसे ज़्यादा बेकार बच्चे नहीं हो सकते जो अपने पेरेंट्स को ये बोले कि मतलब आप बकवास मत करो या आप चुप रहो, आपको कुछ नहीं पता, आप बस चुप करके अगर हमारे घर में रहना है तो एक जगह पे बैठे रहो, इंटरफेयर मत करो किसी में। मतलब थिंक अबाउट योर मदर, जिसने कभी ये नहीं सोचा कि मैं आपको अपने पेट में क्यों रख रही हूँ 9 मंथ। वो 9 मंथ्स का पीरियड बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि कितनी डिफ़िकल्टी होती है उन पूरे 9 मंथ्स में जो एक मदर बर्दाश्त करती है। मूड स्विंग्स होते हैं, ऑब्वियसली हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से बॉडी में काफ़ी चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से अननेसेसरली कई बार मन बहुत अपसेट हो जाता है, कई बार रोने का मन करता है, कभी कभी तो कई लोग अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। तो कईयों की बहुत हेल्दी नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, बट कई मदर्स ऐसी भी होती हैं जो बहुत डिफ़िकल्टी फेस करती हैं। तो बट वो कभी ये नहीं सोचती कि मैं क्यों पूरे 9 मंथ्स तक ये सारी तकलीफें बर्दाश्त करूँ, मैं अबॉर्ट कर दूँ या कुछ ऐसा कर लूँ। मदर कभी ऐसा नहीं सोचती। लेकिन बच्चे जब
वेल सेटल्ड हो जाते हैं और मदर अगर उन्हें कुछ एडवाइस करती हैं, कुछ बोलती हैं, तो बस उन्हें यही लगता है कि हम मदर को बस कहीं छोड़ के आ जाएं, वो चाहे या तो वो किसी वृद्धा आश्रम में रह लें, या वो अगर दो भाई हैं तो उस ब्रदर के पास क्यों नहीं रह रही, मेरे पास क्यों रह रही हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए। रिस्पेक्ट करो अपने पेरेंट्स की यार, मतलब जितना भी कुछ कर लो, भगवान को खुश करने की कोशिश कर लें, हम कुछ भी कर लें, लेकिन अगर हमारे पेरेंट्स खुश नहीं हैं तो हमारे भगवान, हमारे रब, हमारे खुदा हमसे कभी खुश नहीं हो सकते। अगर अपने खुदा को, अपने रब को हमें खुश करना है, तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को खुश रखो, क्योंकि वही हैं जो आपको सबसे ज़्यादा दुआ देते हैं और पूरे दिल से देते हैं। और ये भी हमेशा बोलते हैं कि किसी की दुआ लगे ना लगे, आपके पेरेंट्स की दुआ आपको हमेशा लगती है। तो इसीलिए अपने पेरेंट्स की हमें हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय।